कमरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो से। ने सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छी लस्सी मिलती है इसलिए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बिंदास हूँ, मेरे साथ भी खड़े पता नहीं ये लोग कैसे हैं। सो हम लोग पैक कर चुके हैं जो भी पूरा सामान है, कितने लोगों ने इन लोगों को पीटा है, सो ऐसी शकल है। सो अभी हम लोगों ने पैकिंग कर ली, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बनारस जाएंगे घूमने के लिए। जो भी है वो सारी चीज आपको दिखाएंगे। हम निकल पड़े हैं बनारस घूमने के लिए। तो अभी हमने घूमने की शुरुआत की है संत रविदास पार्क से। क्या क्या यहाँ से व्यू बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है। 20 रुपए बहुत ज्यादा है। पास में ही नदी है, गंगा नदी। रविदास पार्क नाम नहीं होना चाहिए, कपिलदास नाम होना चाहिए, क्या बोलता? हमारा तो कोई काम नहीं है यहाँ, हम चले आए। तो अभी हमारी ऑटो ना BHU में चल रही है, बहुत बड़ी है। अभी हम लोग विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और गेट है। विश्वनाथ मंदिर घूमने के लिए तो अभी काफ़ी थोड़े टाइम तक बैठेंगे यहाँ पर। कहाँ से जाएंगे, कोई एक कोई घाट घूमने के लिए जाएंगे, देखते हैं अभी कहाँ। मणिकर्ण का घाट का गेट है, पतली पतली गलियों में से जाके निकलना पड़ रहा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में होटल वाली वो गली लग रही मुझे तो। सभी गली एक जैसी हैं, तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी गली कैसी है, मतलब कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे लस्सी पीने के लिए बैठे हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लुक, हाँ ये क्या लिखा है भाई, श्वेता मेरी भाभी है। क्या बात, क्या बात है। कौन सी लस्सी पीएगा यहाँ पे, अलग अलग तरह के क्या क्या लिखे हैं। तो अभी हमने ये भैया से पूछा था कि ये क्या है, तो भैया ने बताया कि ये रिव्यू है कि जो भी कस्टमर यहाँ से यहाँ पे आता है और लस्सी पी के जाता है तो वो यहाँ पे अपने अपने रिव्यू लिख के जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी जगह कम पड़ गई रिव्यू के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आए हैं, इसीलिए जगह कम पड़ गई। यहाँ तक कि फॉरनर भी यहाँ पर रिव्यू देके गए हैं। मैं भी किसी ने सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छी लस्सी मिलती है, इसलिए हम भी यहाँ पे आए। तो अभी पी के हम भी रिव्यू देते हैं कुछ। बहुत अच्छी लस्सी थी, मन कर रहा है कि इसको ही घर ले जाए। खैर यहाँ पर डाल के जा रहे हैं। मणिकर्ण का घाट जाने के लिए बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। ये है मणिकर्णिका घाट, बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी दौड़ के आए स्टेयर से, बिकॉज ये भाई बता रहा था कि पुलिस वाले अंदर आने नहीं देते हैं ना भाई, इसीलिए आगे ही, क्योंकि आगे पुलिस वाले भी लगे हैं। आप देख सकते हैं, उसे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा लगे, बट अभी हम यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं देखने के लिए। ये जो
घाट है घूमने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जो अर्थी होती है ना, वो यहाँ पे जलाई जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितनी सारी अर्थियाँ जल रही हैं। कुछ ऊपर भी जल रही हैं और नीचे भी काफी सारी अर्थियाँ जलती हैं यहाँ पे। तो ये घाट इसी के लिए बनाया गया है। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये भाई हमें गाइड कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा रहा है भाई हमें। हमारा रांझणा का धनुष ये है अमरनाथ संकुल। बहुत बढ़िया पान है भाई, बहुत मीठा लग रहा है हमें तो। बहुत बढ़िया पान खिलाए हैं भाई। हाँ चल जाओगे कि मैं जाऊँ? हाँ भाई चले जाएंगे। अब सीधा उस निकल जाओ।